नमस्कार दोस्तों, मैं पवन राठौर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी सीकर। हमारा 8 दिसंबर को हरियाणा में स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। हम उसके केमिस्ट्री पोर्शन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसका डिस्कशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। 6.02×10²22 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट सोल्यूशन, द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज। इसमें क्वेश्चन में मोलैरिटी पूछी गई है सोल्यूशन की। मोलैरिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स का नंबर 6.02×10²20 डिवाइडेड बाय 6.02×10²23 और वॉल्यूम दिया गया है 0.1 लीटर। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 10^-3 अपॉन 10^-1 10^-2 मोल पर लीटर। इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर किलोग्राम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ वाई इन वाटर। एक्स का 0.2 मोल पर किलोग्राम सॉल्यूशन है और वाई का सॉल्यूशन है, लेकिन एक्स के सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वाई की तुलना में ज़्यादा है। इसका मतलब एक्स में डिसोसिएशन होगा और वाई में नहीं होगा। डिसोसिएशन से सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो सेकेंड आंसर हो जाएगा एक्स इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 48। विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉलोइड इज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑन कॉलोइडल पार्टिकल्स। कॉलोइड्स में केवल टिंडल इफेक्ट की प्रॉपर्टी जो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। टिंडल इफेक्ट में लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है, क्योंकि कॉलोइडल पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है। इसलिए करेक्ट आंसर 4 होगा, टिंडल इफेक्ट जो कि उस पर डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 49। फॉग इज अ कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ। फॉग एक कॉलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें लिक्विड गैस में डिस्पर्स हो जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फिजिस ऑप्शन। फिजिस ऑप्शन या फिजिकल एड्सॉर्प्शन एक ही बात है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट, अंडर हाई प्रेशर इट रिजल्ट इनटू मल्टी मॉलिकुलर लेयर ऑन एड्सॉर्बेंट। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में मल्टी मॉलिकुलर लेयर बन जाती है। दूसरा ऑप्शन है, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो एंड पॉजिटिव। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में अट्रैक्शन होगा पार्टिकल के बीच में, तो एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन पॉजिटिव नहीं हो सकती, ये नेगेटिव होगी। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो एंड पॉजिटिव। एंथैल्पी शुड बी नेगेटिव, इट शुड नॉट बी पॉजिटिव, बिकॉज देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। बाकी तीन दोनों ऑप्शन, इट अकर्स बिकॉज ऑफ वंडर वाल फोर्स, बिल्कुल सही है। एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में वंडर वाल फोर्स होते हैं। मोर इजिली लिक्विफाइबल गैसेज आर एड्सॉर्ब रीडिली। जो गैसेज आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं उनमें इंटर पार्टिकल फोर्सेज ज़्यादा होंगे और वो आसानी से एड्सॉर्ब हो जाएंगी। तो बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, सेकेंड ऑप्शन गलत है, वही सही आंसर होगा। सो आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 51। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम प्रेजेंट इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में एक एटम के साथ एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। सो करेक्ट आंसर इज 3। वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 52। अ मेटल क्रिस्टलाइजेज विद अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 408 पिकोमीटर, द डायमीटर ऑफ द मेटल एटम इज। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होता है।
और क्वेश्चन में ये लेंथ दे रखी है 408 पिकोमीटर और डायमीटर कैलकुलेट करना है. तो अगर इस डायगोनल की बात करें तो ये डायगोनल इक्वल्स टू हो जाएगा 408 मल्टीप्लाइड बाय रूट टू. डायगोनल 4/408 इंटू रूट टू के बराबर होगा. और अगर डायमीटर निकालना है जो कि इसका हाफ होगा तो डायमीटर इक्वल्स टू 408 रूट टू डिवाइडेड बाय टू. सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 288 पिकोमीटर. क्वेश्चन नंबर 53. अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स अडॉप्ट T2G4Eg2 कॉन्फिगरेशन. द नेचर ऑफ द लिगेंड सराउंडिंग द आयन इज. इस कॉन्फिगरेशन में T2G में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन हैं. इलेक्ट्रॉन Eg में प्रेजेंट है, इसका मतलब लिगेंड फील्ड वीक है. तो इसका आंसर होगा वीक फील्ड. आंसर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन 54. विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड. मेटल कार्बोनाइल में मेटल एटम के डी इलेक्ट्रॉन CO के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं. तो CO के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन के जाने से उसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा. बॉन्ड ऑर्डर कम होने से CO बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी. और इसमें पूछा गया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड. तो जिस कॉम्प्लेक्स में मेटल में सबसे कम टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन देने की CO को, या पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जिसमें सबसे कम होगी, उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड होगा. तो उसका आंसर होगा फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 55. फॉलोइंग टू रिएक्शंस आर नोन. दो रिएक्शन दी गई हैं और इसमें द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन. रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पूछी जा रही है. इस रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन को एज इट इज ले लेते हैं. Fe2O3 सॉलिड है प्लस 3 मोल्स ऑफ CO गैस है, 2 मोल्स ऑफ आयरन सॉलिड प्लस 3 मोल्स ऑफ CO2 गैस. और सेकेंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके और रिवर्स करके ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2Fe प्लस 2CO2 और इससे बनेगा 2FeO प्लस 2CO. इन दोनों रिएक्शंस को अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने पर आएगा Fe2O3 2Fe प्लस CO Fe2O3 प्लस CO 3CO 2CO से बनेगा 2FeO प्लस CO2. तो फर्स्ट रिएक्शन हमने एज इट इज ली है तो डेल्टा एच बराबर आएगा माइनस 26.8 प्लस 16.5 गुणा 2. इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा प्लस 6.2 किलो जूल. सो आंसर इज 4. क्वेश्चन नंबर 56. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 फॉर द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स. प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट. तो ए का सेकेंड ऑप्शन आ गया. बी है एप्सोमाइट. एप्सोमाइट होता है MgSO4 7H2O. सी है कीजराइट. कीजराइट होता है MgSO4 H2O. और डी है जिप्सम. जिप्सम होता है CaSO4 2H2O. सो करेक्ट आंसर होगा 3. क्वेश्चन नंबर 57. एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एलुमिना बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन मिक्सचर ऑफ. एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है और कंडक्टर भी नहीं होता. तो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए
उसमें क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिलाया जाता है. तो इसलिए Al2O3 में Na3AlF6 और CaF2, इस मिक्सचर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है जिससे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है. सो आंसर इज 1. क्वेश्चन नंबर 58. इन द फॉलोइंग रिएक्शन C6H5CH2Br, ये बेंजाइल ब्रोमाइड है. इसकी रिएक्शन पहले मैग्नीशियम के साथ हो रही है. तो मैग्नीशियम के साथ C6H5CH2MgBr बनेगा, जिसकी हाइड्रोलाइसिस करने पर हाइड्रोकार्बन ऑप्टेन होगा C6H5CH3. इसलिए थर्ड आंसर करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 59. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजीली. इन सब में क्लोरीन बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट है. बेंजीन में बेंजीन का कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है. तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केवल तभी पॉसिबल है जब उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे. तो केवल पहले ऑप्शन में NO2 ग्रुप लगा है पैरा पोजिशन पर, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फैसिलिटेट करेगा. तो क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल से हो जाएगा, इसलिए आंसर फर्स्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 60. बाय हीटिंग विच मिक्सचर प्रोपेन नाइट्राइल विल बी ऑब्टेन्ड. प्रोपेन नाइट्राइल में 3 कार्बन होंगे, तो ये रिएक्शन CH3CH2Cl+KCN, पोटेशियम साइनाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2Cn. इसमें 3 कार्बन है, प्रोपेन नाइट्राइल बन गया, इसलिए सही आंसर होगा 3, इथाइल क्लोराइड प्लस KCN. क्वेश्चन नंबर 61. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द मोस्ट एसिडिक नेचर. फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में अल्कोहल है और थर्ड ऑप्शन में फिनॉल है. फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसे सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल की होगी, इसे सही आंसर होगा 3. क्वेश्चन नंबर 62. इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट ए एंड सी रिस्पेक्टिवली. इसमें अल्कोहल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH सिंगल बॉन्ड CH3. एसिड की प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है, तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे. अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा CH3 C H3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3. ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब ये ए है. और इस मेजर प्रोडक्ट को अगर HBr के साथ रिएक्ट कराते हैं HBr के साथ इन एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा और नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है. तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 C CH3 Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. इसलिए सही आंसर होगा 1. डिहाइड्रेशन जब हुआ तो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बनेगी, जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है. यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड के बाद जब HBr का एडिशन होगा इन एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, तो ब्रोमीन जुड़ेगा इस कार्बन पे और हाइड्रोजन इस कार्बन पे. सो आंसर इज फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 63. इन द फॉलोइंग रिएक्शन CH3 thrice Cl, ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है. टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड को C2H5ONa के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है. सोडियम इथॉक्साइड के साथ यदि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, और एलिमिनेशन होने से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2. तो मेजर प्रोडक्ट CH3 2 मिथाइल प्रोपीन आ जाएगा, इसलिए सही आंसर होगा 3. क्वेश्चन नंबर 64. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट.
बेंजीन की प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा. तो बेंजीन पे अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो उसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ बढ़ जाती है. तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में OH लगा हुआ है जिसका प्लस एम इफेक्ट बाकी सबकी तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा एक्टिवेटिंग OH होगा, तो आंसर फर्स्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 65. हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकंड्स. द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 1386. इसको सॉल्व करने पर आता है 0.5 इंटू 10^-3 पर सेकेंड, इसलिए आंसर फोर्थ होगा. क्वेश्चन नंबर 66. ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन 2A+B C+D फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेंड. यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है रिएक्शन का और उस रिएक्शन के बेसिस पर रेट लॉ कैलकुलेट करना है. तो आप देखिए, किसी एक का इफेक्ट निकालने के लिए हमें डाटा में वो वैल्यू लेनी होती है जिसमें दूसरे का कांस्टेंट रहता है. तो यदि आप देखेंगे तो इसमें अगर फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन लेते हैं जिसमें बी का 0.1 दिया गया है और ए का 0.1 से 0.4 फोर टाइम्स कंसंट्रेशन कर दिया, ये फोर टाइम्स कंसंट्रेशन हो गया और यहाँ आप देखेंगे 6 से 24 हो गया. मतलब यदि आप रेट को ए पे डिटरमाइन करके देखते हैं तो रेट R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू a^x, जो शुरुआत में a की वैल्यू है 0.1 अपॉन 0.4^x और इस कंडीशन में रेट है 6 × 10^-3 और फोर्थ में है 24 × 10^-3. तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 6 × 4 = 24 हो गया और ये आप देख रहे हैं कि फोर टाइम्स आ रहा है, तो इसको फोर टाइम्स करने पर रेट भी फोर टाइम्स हो जा रही है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू a^1 बी के रिस्पेक्ट में रेट देखेंगे तो वो ऑब्जर्वेशन लेंगे जिसमें ए कांस्टेंट है. सेकेंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन लेते हैं. सेकेंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन में ए की वैल्यू 0.3 है, बी का देखिए 2 से 4 हुआ, कंसंट्रेशन डबल हो गई और उसी टाइम पर ये 7.2 से 28.8 आ गया, फोर टाइम्स हो गया. मतलब बी की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन फोर टाइम्स हो रही है. इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू b^2, इसलिए रेट लॉ बनेगा r = k (a^1) (b^2). इसलिए करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 67. द हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सर्टेन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन इज 138 सेकेंड्स. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस टू फॉल फ्रॉम 1/2 × n जिसमें n होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स. n हो गया नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, n हुआ 0.04 इक्वल्स टू n नॉट हुआ 1.28 × 1/2 n. 1/2 n इक्वल्स टू 0.04 upon 1.28. ये सॉल्व करने पर आएगा 1/32. सो n इक्वल्स टू 5. इस कंडीशन में नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स अगर 5 हो जाती हैं और हाफ लाइफ दिया गया है 138, तो टोटल टाइम इक्वल्स टू 5 इंटू
138. Answer will be 690 seconds. Correct answer is 3. Question number 68. Standard free energy of formation in kilojoule at 298 Kelvin are -237.2, 394.4 and -8.2. Respectively, the value of E naught for the pentane oxygen fuel cell is. Is reaction ke liye pentane ka oxidation karte hain. Pentane C5 H12 plus oxygen se banega 5 moles of CO2 plus 6 moles of H2O. 5 moles of CO2 plus 6 moles of H2O. 5 into 2, 10 plus 6, 16. It should be 8O2. Now, delta G for reaction equals to delta G for products minus delta G for reactants. Equals to delta G of products 5 into delta G for carbon dioxide. It is -394.4 plus delta G for H2O is 237.2 6 into -237.2. ये डेल्टा जी हो गया प्रोडक्ट्स के लिए माइनस डेल्टा जी फॉर रिएक्टेंट्स. डेल्टा जी फॉर रिएक्टेंट्स इज -8.2. सॉल्व करने पर 3387 किन किलोजूल किलोजूल ये वैल्यू रिएक्शन के लिए डेल्टा जी के आगे. उसके बाद पूछा गया है द वैल्यू ऑफ ई नॉट फॉर दी सेल. ई नॉट निकालने के लिए डेल्टा जी इक्वल्स टू होता है -NFE नॉट इक्वल्स टू -3387 इंटू 10^3. अभी जूल में बदल गया और इससे हमें ई नॉट निकालना है. तो ई नॉट बराबर -3387 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 96500. ये डेल्टा जी की वैल्यू है. 32 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है पेंटेन और ऑक्सीजन के बीच में और 96500. इसको सॉल्व करने पर आ जाता है 1.0968. इसलिए करेक्ट आंसर होगा 3. इस सवाल में हम एक फ्यूल सेल की कंबशन रिएक्शन दी गई है जिसमें पेंटेन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और इसमें 8 मोल्स ऑक्सीजन के यूज़ हो रहे हैं. मतलब 16 एटम्स यूज़ हो रहे हैं और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 16 × 2 = 32 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा. तो एन की वैल्यू 32 और डेल्टा जी की वैल्यू -3387 इंटू 10^3 और एफ -NFE इक्वल्स टू डेल्टा जी. डेल्टा जी निकालने के बाद NFE लगाएंगे तो ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी. तो सही आंसर होगा 3 1.0968. क्वेश्चन नंबर 69. कॉपर का रिडक्शन से कॉपर बन रहा है और दूसरे में कॉपर क्यूप्रिक आयन के रिडक्शन से क्यूप्रस बन रहा है और हमें निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दी गिवन रिएक्शन. इस रिएक्शन में ई नॉट दिया गया है. ये थर्मोकेमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, इसको एल्जेब्रिकली ऐड या माइनस नहीं कर सकते. तो इसको पहले थर्मोकेमिकल प्रॉपर्टी में बदलना होता है और बदलने के बाद फिर उसको प्लस या माइनस कर सकते हैं. तो हमें जो रिएक्शन चाहिए Cu पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Cu. इसे बनाने के लिए फर्स्ट रिएक्शन Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स
से बना सी यू, और सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स करके इसमें ऐड करते हैं, सी यू प्लस वन गिव सी यू टू प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों रिएक्शंस को जोड़ते हैं, वी कैंसिल सी यू पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन सी यू आ गया। फर्स्ट रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल 0.337। दूसरे रिएक्शन में रिडक्शन है लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसके लिए वैल्यू आएगी 0.153 वोल्ट। और इसके लिए ई नॉट कैलकुलेट करना है। ये मान लीजिए ई वन है, ये मान लीजिए ई टू है, और ई नॉट निकालना है। तो उसमें इक्वेशन अप्लाई होती है डेल्टा जी और फाइनल रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू। वैल्यू लगाने पर डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट बराबर इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई वन नॉट प्लस एन वन एन टू एफ ई टू नॉट। इसमें एन की वैल्यू आएगी वन, एक इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, ये एफ कैंसिल कर सकते हैं, एफ कैंसिल कर देते हैं, एन की वैल्यू आएगी वन इंटू ई नॉट माइनस ई नॉट इक्वल्स टू ई वन, दो इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू है 0.337 माइनस 0.337 मल्टीप्लाइड बाय टू प्लस सेकेंड रिएक्शन में एन टू की वैल्यू वन वन मल्टीप्लाइड बाय 0.153 इक्वल्स टू ई नॉट। सॉल्व करने पर ई नॉट बराबर 0.52 वोल्ट। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 70। An increase in equivalent conductance of a strong electrolyte with dilution is mainly due to. Strong electrolyte में यदि dilution बढ़ता है तो ions की mobility बढ़ जाती है, इसलिए इसका correct answer होगा 2, increase in ionic mobility of ions. Question number 71. Which of the following pair has the same size? ये lanthanide contraction का question है जिसमें zirconium और hafnium दोनों का size almost same होता है lanthanide contraction के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, सिर्कोनियम प्लस 4 और हेफनियम प्लस 4। करेक्ट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 72। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन एंड 3d6। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, 18 के आगे 6 इलेक्ट्रॉन 3d सबशेल में मौजूद हैं। ऐसा कोबाल्ट के साथ होगा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में 3d7 और 4s2 आता है, तीन इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो कोबाल्ट पे जब प्लस 3 चार्ज आएगा तो ये 3d6 हो जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन और 3d6 के समान होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल एग्जिबिट कलर इन एक्वो सॉल्यूशन। इनमें से जिस आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर शो कर सकता है। स्कैंडियम का प्लस 3 है, स्कैंडियम लैंथेनम टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है, इसके लास्ट में 3d2 और 4s2 आता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 दिया गया है, प्लस 3 है इसलिए तीन इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 3d में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो 3d में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कलर शो कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3, क्योंकि ये एक्वा सोल्यूशन में कलर शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 74। Which of the following molecule has trigonal planar geometry? इन चार ऑप्शन में बोरॉन जो 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है
और इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा टू, करेक्ट आंसर टू, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी. क्वेश्चन नंबर 75, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, ये क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स हैं, जैसे जैसे हेलोजन एटम सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसमें हाइड्रोजन आयन देने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है. तो ऑक्सी एसिड्स में हेलोजन में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है HClO4, फिर HClO3, फिर HClO2 और फिर HOCl. सो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग्स विद द प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इज. फर्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग पावर. ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्रम यही होता है, फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयोडीन वीक है. दूसरा है एसिडिक प्रॉपर्टी इन वाटर. HI का बॉन्ड वीक होने के कारण यह आसानी से आयोनाइज हो जाता है और इसलिए इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है और HF की सबसे कम है. तीसरा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम भी बिल्कुल यही है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा नेगेटिव है और नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता है, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा नेगेटिव है. चौथा ऑप्शन है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ये क्रम गलत है क्योंकि फ्लोरीन में लोन पेयर रिपल्शन के कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक नहीं होती, इसलिए इसका करेक्ट आंसर फोर्थ होगा. क्वेश्चन नंबर 77, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पेसीज आर आइसो स्ट्रक्चरल. आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है. इन आइसो स्ट्रक्चरल में यदि आप देखेंगे तो जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें BrO3 नेगेटिव और HCO3 है. ब्रोमीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो ब्रोमीन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है. बिल्कुल इसी प्रकार से ज़ीनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन 3 ऑक्सीजन के साथ शेयर हो गए और एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा रह गया. तो इन दोनों में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या समान है, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा. तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया. क्वेश्चन नंबर 78, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. फर्स्ट कंपाउंड में HN3 में हाइड्रोजन का +1, तो 3 नाइट्रोजन एटम का -1 आया. यदि आप इसमें एक नाइट्रोजन पे -1, दो पे 0 होगा, एवरेज निकालेंगे तो -1/3 आएगा. दूसरे ऑप्शन में NH2OH, ये हाइड्रोजन का टोटल +3, X+3, -2, = 0, तो X = आ जाएगा -1, X = -1. इसी प्रकार से हाइड्रोजन में नाइट्रोजन का N2H4, 2X+4 = 0, X = -4/2, -2. और अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3, तो इसलिए सबसे ज़्यादा HN3 हाइड्रोजोइक एसिड में आएगा, इसलिए सही आंसर होगा फर्स्ट, HN3. क्वेश्चन नंबर 79, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग. HCl-PCl बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड. PCl5 में फॉस्फोरस के साथ ये 3 क्लोरीन और 2 क्लोरीन, तो बॉन्ड पे रिपल्शन के कारण एक्सियल बॉन्ड्स की लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज़्यादा होती है. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है HCl-PCl बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स, ये बिल्कुल सही है. सेकेंड ऑप्शन है PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, ये गलत है, PCl5 मॉलिक्यूल रिएक्टिव होता है. थर्ड ऑप्शन है 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये बिल्कुल सही है, सभी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा. और चौथा ऑप्शन है 2 एक्सियल PCl बॉन्ड्स मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर, तो ये दोनों एक्सियल बॉन्ड एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है. तो इसमें गलत आंसर है सेकेंड, मतलब वही आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 80, इन अ सेट ऑफ रिएक्शंस इथाइल बेंजीन यील्डेड प्रोडक्ट डी. इथाइल बेंजीन CH2CH3
किसी भी अल्काइल बेंजीन को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है के MnO4 के साथ रिएक्ट कराने पर ये बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा, तो इस पर आ जाएगा C OOH। और उसकी रिएक्शन यदि ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कराते हैं तो मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और ब्रोमीन कनेक्ट होगा COOH। और उसके बाद जब ये C2H5OH के साथ रिएक्ट करेगा तो एस्टर फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट बनेगा COO C2H5 सिंगल बॉन्ड BR। इसलिए करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81, एसिटामाइड इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट सेपरेटली, विच वन ऑफ दीज वुड यील्ड मिथाइल एमीन। एसिटामाइड CH3CONH2, इसको अगर NaOH और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये CH3NH2 बनाता है, मिथाइल एमीन बन जाएगा। हॉफमैन डिग्रेडेशन या हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है जिसमें RCHNH2 बनेगा, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 2, सेकेंड आंसर NaOH and Br2। क्वेश्चन नंबर 82, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है और उसके बाद उसके हाइड्रोलाइसिस से अल्कोहल बन जाते हैं, तो अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी को कंसीडर किया जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा एसिटाल्डिहाइड CH3C OH, उससे कम रिएक्टिव होगा एसीटोन CH3CO CH3, और उससे कम रिएक्टिव होगा बेंजोफिनोन। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 2, 2 से कम 1, 1 से कम 3, सो करेक्ट आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 83, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। ये एक सेकेंडरी अमीन है जिसकी रिएक्शन NaNO2 और HCl दैट इज नाइट्रस एसिड के साथ हो रही है। सेकेंडरी अमीन को नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो उसमें नाइट्रोसो डेरिवेटिव बनता है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा उसमें नाइट्रोजन पर N के साथ NO ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा, बाकी CH3 तो एज इट इज रहेगा, नाइट्रोसो डेरिवेटिव बनेगा, इसलिए सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 84, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉल गिव्स। रिएक्शन में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2Cl को जब C2H5OH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है प्लस इथाइल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड प्लस नाइट्रोजन बन जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 85, C2H5Cl+NH3, ये हॉफमैन अमोनोलाइसिस है। अल्काइल हैलाइड को जब अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, प्रोडक्ट बनेगा C2H5NH2। C2H5NH2 फिर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और ये दूसरे इथाइल क्लोराइड से क्लोराइड को डिस्प्लेस करेगा और C2H5Cl के साथ ये बनाएगा C2H5NH C2H5, सेकेंडरी अमीन बन गया। सेकेंडरी अमीन में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये फिर से C2H5Cl के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा C2H5N C2H5 और C2H5, ट्राइथाइल अमीन, इसलिए करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट C2H5NH2। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज क्लासिफाइड एज पॉलिएस्टर पॉलीमर। इसमें पॉलिएस्टर टैरिलीन होता है जो थाइलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थैलिक एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें केवल नियोप्रीन एक एडिशन पॉलीमर है जो 2-chloro-1,3-butadiene के पॉलीमराइजेशन से बनता है, इसलिए नियोप्रीन करेक्ट आंसर होगा जो कि एक एडिशन पॉलीमर है, सो करेक्ट आंसर इज 2।
Question number 88. Which one of the following set of monosaccharide forms sucrose? Sucrose, alpha D glucopyranose or beta D fructofuranose? Se milkar bana hua disaccharide hai. Isliye correct answer hoga fourth, alpha D glucopyranose and beta D fructofuranose. Question number 89. Which one of the following statement is correct? Amino acids mein keval glycine optically inactive hota hai, baki sare amino acid optically active hote hain. To isme correct statement hoga fourth, all amino acid except glycine are optically active. To answer is 4. Question number 90. In a protein molecule, various amino acids are linked together by protein amino acid ka polymer hota hai jisme amino group aur carboxyl group mein bond banega. Isme peptide bond paya jata hai carbon ke sath NH2 CO OH alkyl group aur H. Ye amino acid dusre amino acid ke sath milkar ek peptide bond banata hai OH and H. Product is CH or C double bond O or NH. तो इस तरह proteins में peptide bond मिलता है, तो correct answer होगा second, peptide bond. Thank you.